आप सभी लोगों का वेलकम एक नई वीडियो में। तो आज फ्रेंड्स मैं आपने टेरेस गार्डन का आपको ओवरव्यू देने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारे कुछ प्लांट लगे हुए हैं। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। तो ये देख सकते हैं लेमन ग्रास है और देखिए ये बरसात का समय चल रहा है इस समय। और प्लांट देख सकते हैं हमारे कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और फिर इधर देखिए ये हमारा प्लांट है, इसको फाइकस प्लांट बोलते हैं। और फिर इधर है बोगनवेलिया, तो ये देख सकते हैं अभी इस पर फ्लावरिंग नहीं आई। फिर ये मेरीगोल्ड, ये देखिए इस पर भी अभी फ्लावरिंग नहीं आई, कुछ दिनों में फ्लावरिंग आ जाएगी। और फिर इधर देख सकते हैं हमारा, फिर ये जैस्मिन। और फिर इधर देखिए हमारा ये गुड़हेल का प्लांट है जो कि मिनिएचर वैरायटी का, जिसपे छोटे छोटे फूल आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस समय बरसात का टाइम है, आप किसी भी तरह के प्लांट लगाएंगे तो वो आपके बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे ये बैंगन का प्लांट इधर लगा हुआ है। और ये सम्मी का प्लांट है जो कि घर के लिए बहुत शुभ होता है। और फिर हमारे गुलाब देख सकते हैं, अभी गर्मियों में इसकी हालत बहुत ख़राब हुई, अब इस पर कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो इसकी अभी हम केयर करेंगे ताकि विंटर में अच्छे से ये फ्लावरिंग दे सके। और इधर देखिए ये हमारा मोगरा यानी कि जैस्मिन का प्लांट, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसके कई प्लांट हैं। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है और अभी तक मैंने आपको अपने टेरेस गार्डन का जो है नहीं दिखाया था। तो आज मेरा आप टेरेस गार्डन देख लीजिए किस तरह का दिख रहा है। और उम्मीद करते हैं अब हर वीकली आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाया करें ताकि आप नए नए प्लांट लगा सकें दोबारा से, जो कि हमारा अभी रूटीन वीडियो का बिगड़ा हुआ था और वीडियो नहीं आपको मिल रही थी। और आप लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। और ये है हमारा रैबिट खरगोश, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारे देख सकते हैं इधर है गुड़हल का प्लांट। और ये देखिए बार बार मेरी बेटी इसको लेके आ रही है वीडियो के बीच में ताकि इसकी भी वीडियो आ सके, आप लोग देख सकें। और फिर ये हमारे देखिए ये प्लांट, और इस समय हवा बहुत तेज़ चल रही है इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ ताकि आवाज़ हवा की ना आए ज़्यादा। और ये देखिए बादल लगे हुए हैं, कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट होने वाली है। तो बरसात के मौसम में आप प्लांट जितने भी लगाते हैं आपके सभी तरह के प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। कई लोग मई जून में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है 45 डिग्री तब प्लांट लगाते हैं, उनके प्लांट सूख जाते हैं, चलते नहीं हैं क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो उस समय प्लांट हमारे नहीं जल्दी ग्रो हो पाते अगर हम नर्सरी या फिर माली से लेके प्लांट लगाते हैं। तो उन लोगों से मैं कहता हूं कि आप बरसात के दिनों में जितने भी प्लांट आप लगाएंगे आपके वो प्लांट फिर हमेशा के लिए आपके घर पे बने रहेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी आप लाइक कीजिए और जल्दी हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।